What's up guys, Boat के best selling earbud का finally upgraded version AirDrop 131 Elite ANC आ गया है और इस earbud में 32 dB का ANC, 13 mm के driver, IPX5 का water resistance और outdoor use के लिए transparency mode और ये सारे feature under 1500 में world best है, ऐसा Boat claim करती है। तो क्या ये सच में upgrade है? चलिए फटाफट टेस्ट करते हैं। ये रहा बॉक्स और बॉक्स के अंदर आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं और एक छोटी सी टाइप ए टू टाइप सी की केबल मिल जाती है। और ये रहा हमारा मेन ईयरबड और अब लगे हाथ इसका डिजाइन भी देख लेते हैं। केस पूरा प्लास्टिक बिल्ड और ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, बट अगर सच बताऊं तो केस मुझे कुछ खास लगा नहीं, बताता हूं क्यों। अगर ये मैट फिनिश के साथ होता ना तो ज्यादा प्रीमियम लगता और ये फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेस से भी बचाता। फ्रंट में यहाँ क्रोम की स्ट्राइप मिल जाती है जो इस ईयरबड को और अट्रैक्टिव बनाते हैं और उसके नीचे की साइड लाइट इंडिकेटर मिल जाता है और नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, उसके साथ ही रीसेट या पेयरिंग बटन दे रखा है और हिंज के मैग्नेट भी ठीक है। इवन ईयरबड के मैग्नेट भी काफी अच्छे हैं जो ईयरबड को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं तो ऐसे ही आसानी से केस से बाहर नहीं गिरेंगे और केस भी कॉम्पैक्ट एंड पॉकेटेबल है। वैसे ईयरबड डिजाइन में काफी प्रीमियम लग रहे हैं और इसकी टेल अदर ईयरबड से थोड़ी छोटी है जो कि इसको और प्रीमियम बनाती है और कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होने की वजह से कान में कम्फर्टेबली फिट भी हो जाते हैं। तो अगर आप रनिंग वॉकिंग या जिम में यूज करते हो तो आसानी से कान से बाहर नहीं गिरेंगे। ओवरऑल ईयरबड डिजाइन के मामले में काफी ठीक है, बट इसके केस की क्वालिटी और ठीक होती तो डिजाइन में ये भी बेस्ट होता। और अब बात करते हैं इस ईयरबड के सबसे इम्पोर्टेंट थिंग साउंड क्वालिटी की। तो वैसे इस ईयरबड में 13 mm के ड्राइवर विद बोट सिग्नेचर साउंड मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड निकाल कर देते हैं और मैंने इसको काफी देर तक यूज किया। बैलेंस साउंड की वजह से ये कान में बिल्कुल भी नहीं चुभते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा देर तक गाने सुनते हैं या हाई वॉल्यूम में मूवी देखते हैं तो कान में साउंड चुभते या फिर इरिटेट करते हैं, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। और अब अगर बात करूं ANC मोड की तो ये एक फीचर है जिसको आपको एक्टिवेट करना होगा। तो राइट वाले बट पे 3 सेकंड के लिए लॉन्ग टच करोगे तो एम्बियंट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या होता है आगे बात करेंगे। और फिर दोबारा से 3 सेकंड के लिए लॉन्ग टच करोगे तो ANC मोड एक्टिवेट हो जाएगा। बेसिकली ANC बाहर की नॉइज को रोक देता है ताकि आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाए। और जब इसको बोट ने इतना हाईलाइट किया है फिर तो टेस्ट करना बनता है। ये लो दोस्तों, हम आ गए मॉल में और यहाँ पे काफी भीड़ है तो यहाँ पे आई थिंक ANC टेस्ट करना बेस्ट है। यार ANC इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं काफ़ी देर से गाने सुन रहा हूँ, मुझे बाहर की नॉइज़ बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। और अब अगर बात करूँ एम्बियंट मोड की तो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे आप आउटडोर में TWS यूज़ कर रहे हो तो बाहर की नॉइज़ नहीं सुनाई देने से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस एम्बियंट मोड को ऑन करने से सॉन्ग के साथ साथ आपको बाहर की आवाज़ भी सुनाई देगी, जो कि ये फीचर इस ईयरबड में काफी अच्छे से वर्क करता है। वैसे गाइस मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि TWS इनफैक्ट यही नहीं कोई सा भी TWS आउटडोर में यूज ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस छोटे मोटे TWS से। और इसमें इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, मतलब जैसे ही हम इसको कान में लगाते हैं तो सॉन्ग प्ले हो जाता है और जैसे ही निकालते हैं तो सॉन्ग पॉज हो जाता है। हमने इसको कई बार टेस्ट भी किया और हर बार ये अच्छे से वर्क करता है। और साथ ही लेफ्ट वाले बट पे ऐसे 3 बार टैप करोगे तो बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें साउंड 65 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी पर आ जाएगा। और अगर आप गेमिंग ईयरबड सर्च कर रहे हो तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इससे कम लेटेंसी वाले ईयरबड मार्केट में इससे कम प्राइस में मिल जाएंगे। और अगर आप गेमिंग ईयरबड ही ढूंढ रहे हो तो इस आई बटन से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड इसमें कॉल में भी क्वाड माइक्स विद ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो बैकग्राउंड के नॉइज को रिड्यूस कर देती है सो दैट सामने वाले पर्सन को हमारी आवाज अच्छे से सुनाई दे। डेमो आप खुद देख लो। ये लो दोस्तों, हम आ गए आउटडोर और अभी साउंड इस AirDrop 131 Elite ANC से रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी बहुत नॉइज है और थोड़ी बहुत गाड़ियां भी चल रही है, तो इस तरह की कॉल क्वालिटी सामने वाले पर्सन को सुनाई देगी। तो गाइस 1, 2, 3 लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो जल्दी। तो गाइस आप हमें कमेंट करके बताओ कि इसकी कॉल की साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी और इस टेस्ट के लिए एक लाइक कर दो।
और अब बात करते हैं इसके टच कंट्रोल की। तो वैसे बोट के सभी ईयरबड में टच कंट्रोल सेम ही होता है, जिसमें कॉल पिक करना, म्यूजिक प्ले पॉज करना, वॉइस असिस्टेंट, बीस्ट मोड, ANC और एम्बियंट मोड सब टच कंट्रोल से बड़े आसानी से कर सकते हो। बट वॉल्यूम के लिए आपको मोबाइल ही यूज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आप राइट वाले बर्ड को ऐसे 5 times टच करोगे तो इन ईयर डिटेक्शन फीचर को ही टच कंट्रोल से इजीली ऑन ऑफ कर सकते हो। और अब बात करते हैं इसके सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, बैटरी बैकअप की। तो ये 60 घंटे का प्लेबैक टाइम सिंगल चार्ज पे दे देते हैं विदाउट ANC, और ANC ऑन करने के बाद 54 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। पर जब हमने इसको टेस्ट करा तो इसमें 4 to 5 घंटे का ड्रॉबैक लगा, जो कि ये 54 to 55 घंटे का प्लेबैक टाइम विदाउट ANC दे देते हैं, और ANC ऑन करने के बाद 49 to 48 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है। और अगर एकदम से डेड हो तो 10 मिनट में 150 मिनट से 160 मिनट का प्लेबैक टाइम देते हैं, जो बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, जो फोन के साथ फास्टली और सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, और इसमें साथ ही IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो हल्के पानी के छींटे या पसीनों का टेंशन मत लेना, उन सबसे कुछ नहीं होता। वैसे इस ईयरबड को मैंने काफी देर तक यूज किया, और अगर आप इस ईयरबड को सिर्फ ANC की वजह से लेना चाहते हो तो नो डाउट डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसको ले सकते हो। बट अगर आपको बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर आप इस डॉल्बी ऑडियो वाले ईयरबड को चेकआउट कर सकते हो, जो कि साउंड क्वालिटी में द टॉप नॉच है। तो इस आई बटन से उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जो बेस्ट ANC ईयरबड ढूंढ रहा है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो हर बार सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।